बनेगढ़ तहसील के सुंदराबाद गांव में निवास करने वाले किसान ने अपनी निजी जमीन को दान कर दिया ताकि स्कूल की बिल्डिंग बन सके और गांव में निवास करने वाली छात्र छात्राएं या वहां के विद्यार्थी आसानी से शासकीय स्कूल में अपनी पढ़ाई कर सके। बनेगढ़ तहसील के सुंदराबाद गांव में निवास करने वाले किसान ने अपनी निजी जमीन दान में दे दी ताकि स्कूल की बिल्डिंग बन सके और शासकीय स्कूल में गांव में निवास करने वाले छात्र छात्राएं पढ़ाई कर सके। अपनी निजी जमीन करीब 20 लाख रुपए कीमत के गांव में ही निवास करने वाले किसान ने दान में दे दी। यहाँ पर शासकीय स्कूल भवन बन चुका है जहाँ पर बच्चे पढ़ाई कर सकेंगे। हम इस समय खड़े हुए उज्जैन जिले के बड़नगर तहसील के सुंदराबाद गाँव में, जहाँ पर सुंदराबाद गाँव मैं निवास करने वाले यशवंत जी यादव साहब हैं, हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं। और हम यशवंत जी यादव साहब से आपकी चर्चा और मुखातिब इसलिए करवा रहे हैं, ये एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने बच्चों के दुख दर्द और ग्रामीणों को समझा और अपनी निजी ज़मीन, पैतृक जो ज़मीन है आपकी, उस ज़मीन में से करीब 1.25 बीघा ज़मीन जो है दान की। और ये ज़मीन दान इसलिए की इन्होंने ताकि गांव में जो निवास करने वाले बच्चे, स्कूली छात्र छात्राएं यहां पर पढ़ाई कर सकें। और यह जो ज़मीन है 1.25 बीघा ज़मीन करीब 20 लाख रुपए से ज़्यादा की कीमत की ज़मीन है। अब यहां पर शासन का पैसा लग कर के जो है स्कूल की बिल्डिंग कंप्लीट हो चुकी है और यहां पर बच्चे पढ़ाई करेंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं यशवंत जी यादव साहब, किस प्रकार से उन्होंने यह ज़मीन दान की और किस प्रकार से जो है अब यह बच्चों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। दो बार शिकवत थे बिल्डिंग की आई थी, जगह नहीं थी गाँव में, इसलिए वो कैंसिल हो गई है। हर 15 अगस्त पे, हर 26 जनवरी पे बच्चे कहते हैं सरपंच साहब, उप सरपंच साहब आप करो, सरपंच हो गए तो फिर उसमें बोली बच्चे वो कि आप कुछ भी तो करो। तो फिर मेरे ख्याल आया कि ये ज़मीन थी 1.25 बीघा, मैंने दान दे दी। अरे सरपंच साहब यशवंत सिंह जी यादव साहब ने ज़मीन दी और इन्हीं के कार्यकाल में 32 लाख रुपए स्वीकृत भी हुए और ये बिल्डिंग बन के तैयार हुई और आज बच्चे बच्ची पढ़ रही है। अच्छा, तो देखा किस प्रकार से जो है यहाँ पर जो है बिल्डिंग जो है कंप्लीट हो चुकी है और अब इसके बाद में यहाँ पर बिल्डिंग के साथ यह स्कूल शुरू हो चुका है। यहाँ पर गाँव के जो बच्चे हैं वह यहाँ पर पढ़ाई भी करने लगे। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा, वॉइस ऑफ राइट्स के लिए। भीड़ में जाती है, बहुत परेशानी आती है बच्चे के लिए, हाई सेकेंडरी स्कूल की सख्त आवश्यकता। इस बारे में आपने लोगों ने लिखित में पत्र वगैरह या ठेठ उज्जैन भोपाल वगैरह शिक्षा मंत्री सबको लिख के दे दिया। अच्छा। तो जवाब ही नहीं आया अभी तक के। अच्छा, आसपास के कितने गांव के बच्चे परेशान होते हैं यहाँ पर? यहाँ 3-4-5 गांव के लगते हैं। अच्छा, बच्चियों को दिक्कत आ रही है पढ़ाई में? बच्चे को बहुत ज़्यादा दिक्कत है और ज़्यादा करता बच्ची है बस में जाती है, उनको बहुत परेशानी आती है। वो गाँव से बस जाती है उसमें लोग वो फंस आती है बिल्कुल, उसमें चढ़ के बेचारिया शरमाती शरमाती हुई बैठती है अंदर। अच्छा, और धक्का मार चलता है। अच्छा। तो उनको बहुत परेशानी आ रही है। अगर यहाँ स्कूल बन जाएगा तो कितने गांव के बच्चों की समस्या खत्म हो जाएगी? क्या गांव के बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं?